यस फिफ्थ क्लास। देखिए 800 तो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी डिजिट है, और नेक्स्ट है मेरे पास 582। 582 मतलब लमसम इसका आंसर 582 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसमें आइडिया लगा सकते हैं, अगर हमें बॉक्स में फिल करना है कि मेरे पास इस बॉक्स में क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन देखिए 5, हमें ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है कि इस बॉक्स में क्या आएगा और इसका एज इट इज़ आंसर क्या होगा। आंसर मेरे पास क्या आ सकता है 5, 8 and 2, ठीक है। अब 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 2 आ जाए। 2 तो आ नहीं सकता, मतलब कोई बड़ी डिजिट आएगी, मतलब 9 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, 9 और 3 12, 12 और 1 कैरी, 5 और 1 6 हो गए। अब 6 में क्या ऐड किया जाए कि मेरे पास 8 आ जाए। यहाँ पर हमने 8 बनाना है, 5 और 1 6 6 तो हो गए, 6 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए। 2 ऐड करें आ जाएगा 5 का 5 एज इट इज़। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यस। अब ये बाकी पार्ट्स आपके सेम इसी तरह से ही हैं, आपको इनमें फाइंड करना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है और उसको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर विच विल बी इन ब्लैंक बॉक्सेस। हमें इन ब्लैंक बॉक्सेस में फिल करना है कि मेरे पास क्या आंसर आ सकता है, ओके। अब देखिए ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 29 में क्या प्लस 3, फिर हमें डैश दे दिया एक तरह से अपर, फिर यहाँ पर 4, और ये हमें फाइंड करना है। हम देखिए 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 4 आ जाए। 4 अब एक तरह से कोई बड़ी डिजिट ऐड करनी पड़ेगी। 9 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 9 और 5 14 14 और 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा 5 और इसमें क्या आएगा 6, ओके। हमें इन क्वेश्चंस को इस तरह से करना है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर, ये तो सारे ऐड वाले हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है ये 6 नंबर क्वेश्चन, 8 4, और फिर हमें बॉक्स दिया है 3 9 6 प्लस। ये तो आप क्वेश्चन जितने घर पर खुद ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा, इन क्वेश्चंस को आप जितना घर पर ट्राई करोगे या प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन देखिए 8 4 डैश दिया है, फिर इसमें ऐड करना है 3 9 6 और आंसर 8-2-। अब देखें 6 में हम क्या ऐड करें कि मेरे पास 8 आ जाए। हम इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं, 2 किया तो 6 और 2 8 आ गया, 9 और 4 13 13 का 3 और 1 कैरी, 9 और 8 और 1 9 9 और 3 12 और ये 1, ओके। यस, ये सभी क्वेश्चंस इस तरह से ही हैं। आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करना, आपको ये समझ आ जाएंगे, और ये बहुत ही इजी है, और इसमें क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में ज़्यादा आते हैं इनमें से, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं इसलिए बोर्ड में इनकी ज़्यादा क्वांटिटी रहती है क्वेश्चंस की, ओके। फिफ्थ क्लास एंड थैंक यू।